बिहार के औरंगाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के अलग अलग हिस्सों में करीब 25 लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें गर्मी में लू लगने से हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के मुताबिक प्रचंड गर्मी की वजह से जिले में लू का प्रकोप रहा, जिसमें औरंगाबाद के अलग अलग हिस्सों में ये मौतें हुई हैं। डेढ़ बजे करीब करीब 17 के आसपास डेढ़ बजे आए हैं अस्पताल में, इनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। क्रमशः अभी भी क्रम लगा हुआ है, उनके आने का इलाज का समय हम लोगों को नहीं मिल रहा है। अब तक कितने लोगों की? अभी लगभग आंकड़ा पूरा हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन करीब करीब 25-26 के आसपास आंकड़ा। तो लगातार जाए बिहार की, तो बिहार के औरंगाबाद में लू लगने से करीब 25 लोगों की मौत बताई जा रही है। के बाद एक आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं, अस्पताल की तस्वीर, जहां पर लगातार मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है और गर्मी का कहर लगातार इस वक्त बिहार में भी देखा जा सकता है। और श्रीकांत प्रत्युष रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। श्रीकांत, लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो देश भर के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है, वहीं बिहार की अभी हम तस्वीरें देख रहे थे, करीब 25 लोगों की मौत हो गई। देखिए, बिहार में केवल औरंगाबाद में 30 लोगों की मौत हुई है लू की चपेट में आने से, और नोएडा से खबर आ रही है कि 8 लोग वहां भी मारे गए हैं लू की चपेट में आकर। तो ये आंकड़ा बहुत ऊपर पहुंच गया है और 38 लोग अब तक बिहार में लू की चपेट में आने से मरे हैं। और सरकार को काफी चिंतित है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना प्रकट की है मृतक है उनके परिवार के प्रति, और सारे मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी हुआ है। तो गर्मी का प्रकोप जारी है और पहली बार इतनी गर्मी बिहार में पड़ी है। कभी भी जो पारा था 44 के पार नहीं गया था, लेकिन इस बार तो 48 पहुंचने वाला है। तो हाहाकार मचा हुआ है गर्मी की वजह से। बिल्कुल श्रीकांत, हाहाकार मचा हुआ है गर्मी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार की जो तस्वीर सामने आ रही है, आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जहां करीब बताया जा रहा है 30 लोगों की मौत हो गई है, लू लगने से 30 लोगों की मौत हुई है। बिहार में नहीं बल्कि देश के हर हिस्से में गर्मी का प्रकोप लगातार देखा जा सकता है, जिससे लगातार मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। एक ही चीज है जो पूरे दिन की थकान को दूर करे, शुद्ध जड़ी बूटियों से बनी हुई बटरफ्लाई आयुर्वेदा रात्रि चाय। नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करे और रात को अच्छी नींद दे। आप ही पीजिए। कैसा है शेयर बाजार का हाल? कहां करें निवेश? कैसे बने मनी स्मार्ट? बिजनेस की दुनिया की हर खबर, इकोनॉमी एंड यू। न लाग लपेट, न चीख पुकार, साफ साफ सीधी बात। मैं हूं शंकर दत्त पंत, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। तीन दशक का अनुभव, विश्वास और सटीक विश्लेषण, जिन्हें पत्रकारिता की फिक्र है, जिनका नजरिया ही एक खबर है, सियासत का हर सच। वासिंद्र मिश्र। टीआरपी की होड़ नहीं, सिर्फ जनता की बात। मैं हूं शिखा शर्मा, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।
दूसरी बार सरकार बनने के बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जानकारी दी। राजीव कुमार ने कहा कि बैठक में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का मंत्र दिया गया है। कृषि सूखा और सुरक्षा को लेकर चर्चा भी हुई। साथ ही भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं पीएम ने देश में कृषि में संरचनात्मक सुधार लाने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की घोषणा की। आने वाले समय में इसका गठन किया जाएगा और अगले 2 से 3 महीनों में रिपोर्ट दी जाएगी। राजीव कुमार ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में 3 मुख्यमंत्रियों को छोड़कर सभी ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर से गवर्नर बैठक में शामिल हुए। एजेंडा आइटम थे जो 5 हैं जो आपने देखे होंगे, जिसमें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्राउट सिचुएशन एंड रिलीफ मेजर्स, आकांक्षावादी ज़िले और कृषि क्षेत्र के को कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए, उसका आधुनिकरण और आखिर में सिक्योरिटी रिलेटेड आइटम्स जो थे। ये हमारा एजेंडा था आज का और इसी पे आज बहुत अच्छी चीज़ लगी कि सभी मुख्यमंत्रियों ने और सभी ने इन फोकस्ड डिस्कशन इन्हीं चीज़ों पर किया। ये जो आपने देखा कि पानी पर इतना जो शुरू से हमारा जो फोकस है वो और ड्राउट पर, वो ये कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद कि 5 साल लगातार हमारी मानसून डेफिसिट रही है और इस बार भी मतलब नॉर्मल तो है 96% मगर 100% नहीं है। तो इसको चलते देख कर और वैसे भी पानी की जो विषमता अब हमारे देश में बढ़ रही है तो उसको देखकर ये एजेंडा आइटम बनाए गए थे। और जानकर और वहाँ पे सुनकर बहुत ही खुशी हुई है कि सारे ही राज्यों ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि साल 2024 तक देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। भारत को 2024 तक $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, पर राज्यों के संयुक्त कोशिशों से इसे हासिल किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि राज्य सरकारें निर्यात संवर्धन पर ध्यान दें, लोगों की आय और रोजगार के अवसर बढ़ाने में निर्यात क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और इसको जल्द सुलझा लिए जाने की उम्मीद है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। तो आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया। पीएम मोदी का 2024 तक का पूरा एजेंडा इस बैठक में बताया गया। आपने कई बौने लोग देखे होंगे लेकिन हैदराबाद में रहने वाला ये परिवार तो इस मामले में रिकॉर्ड बना चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े बौनों के परिवार की। हैदराबाद के रामराज के परिवार के सभी लोग बौने ही हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है लेकिन कुछ लोग अपने खास शारीरिक ढांचे की वजह से हमेशा लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय बने रहते हैं। हैदराबाद की चौहान फैमिली के साथ ऐसा ही है। परिवार के 11 में से 9 सदस्य बौने हैं। सभी अनुवांशिक विकार एकोंड्रोप्लासिया से पीड़ित हैं, जिसमें व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती। ऐसे में वो जब भी घर से बाहर एक साथ निकलते हैं तो लोगों की सवाल भरी निगाहें उन पर जरूर पड़ती हैं। लोग उनसे कई तरह के सवाल करते हैं, जैसे आप इतने छोटे क्यों हैं, कहां से आए हो। ऐसे सवालों का जवाब वो सालों से देते आ रहे हैं लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये अनुवांशिक विकार उनके परिवार पर प्रभाव डाल रहा है। परिवार के मुखिया 52 साल के रामराज शादियों में स्वागत करने का काम करते हैं लेकिन उन्हें नौकरी की जरूरत है जो अपने छोटे कद होने के नाते उन्हें नहीं मिल पाती। हमको कोई जॉब देने को तैयार नहीं पहले तो, और मैं जो काम करता हूँ मैरिज वेलकम, मैं नमस्कार करता हूँ हिंदू फंक्शन में ऐसा और मुस्लिम फंक्शन में सलाम करता हूँ,
और ऐसा एक भाई ऐसा बैठे हुआ रहते हैं, इंडिया स्टेचू जैसा रहते हैं ना, ये दोनों नवीन के भाई ना। अब औरत बच्चों का, अब मर्द बच्चों का तो फिर भी ठीक है, लेकिन औरत बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही बिल्कुल बहुत ही बहुत तकलीफ है। मेरे दो बेटियां तारे, अब ये तुम्हारा कर्म है बोल के समझाए उनको। अब जब तक चलती चलाओ, बाद में ईश्वर है आपकी जैसा चाहे होने का होगा बोल के अब वही हिम्मत देते रहते हैं। ऊपर वाले ने जब ऐसा पैदा ही किया तो हम लोगों को अब इंसान से तो कोई गिला शिकवा करना ही नहीं चाहिए, ये तो भगवान का वरदान है। शादियों में स्वागत करने का काम खर्च चलाने के लिए काफी नहीं है, लेकिन इसका कोई उपाय भी नहीं है उनके पास। रामराज की 27 साल की बेटी अंबिका अकाउंटेंट की नौकरी करना चाहती है, लेकिन उसे भी नौकरी तलाशने में परेशानी हो रही है। अंबिका के मुताबिक वो इसलिए रिजेक्ट कर दी जाती है क्योंकि लंबी नहीं है। मैं फीचर नहीं गया था, लेकिन इस बार तो 48 पहुंचने वाला है, तो हाहाकार मचा हुआ है गर्मी की वजह से। बिल्कुल श्रीकांत, हाहाकार मचा हुआ है गर्मी से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार बिहार की जो तस्वीर सामने आ रही है, आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जहां करीब बताया जा रहा है 30 लोगों की मौत हो गई है, लू लगने से 30 लोगों की मौत हुई है बिहार में।